Life cycle of animals and plants. प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आप सबको इस टॉक शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस बटरफ्लाई यानी तितली, मिस्टर सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का फूल और मिस्टर फ्रॉग यानी मेंढक। तो हम अपना आज का शो शुरू करते हैं। हम इस बटरफ्लाई से पूछते हैं कि एक बटरफ्लाई की जिंदगी कैसे शुरू होती है। शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, बटरफ्लाईज बहुत खूबसूरत होती हैं और आप सब इनको पसंद करते हैं। तो जनाब, क्या आप जानते हैं कि बटरफ्लाईज पौधों के पत्तों पे अंडे देती हैं? A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. इन अंडों से लार्वा यानी कैटरपिलर्स निकलते हैं। These eggs hatch and young ones called larvae or caterpillars come out of the eggs. फिर ये कैटरपिलर्स मुख्तलिफ किस्म के पत्तों को अपनी गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। A caterpillar feeds on the leaves and starts to grow. जैसे जैसे कैटरपिलर बढ़ता है, कई बार उसकी स्किन यानी जिल्द झड़ती है। As caterpillar grows, it sheds its skin several times. फिर कुछ दिनों बाद कैटरपिलर लीव्स खाना छोड़ देता है और उसके इर्द गिर्द एक शेल या प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इस तरह कैटरपिलर प्यूपा में तब्दील हो जाता है। कैटरपिलर देन फॉर्म्स अ शेल और प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड इटसेल्फ। इट इज नाउ नोन एज प्यूपा। और फिर तकरीबन 15 डेज के बाद एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई इस शेल से बाहर निकल आती है। फाइनली द शेल बर्स्ट्स ओपन एंड अ बटरफ्लाई इमर्जेस आउट। तो जनाब, ये था बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के तमाम स्टेजेस को गौर से पढ़िए। वाह भाई, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। शुक्रिया मिस बटरफ्लाई। अब हम मिस्टर सनफ्लावर से पूछते हैं कि वो हमें एक सनफ्लावर के लाइफ साइकिल के बारे में बताएं। मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के बीज हैं। इनको आप खा भी सकते हैं और ये नए प्लांट्स उगाने में भी काम आते हैं। सबसे पहले हम बीज को सॉइल में बोते हैं। द सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल। कुछ दिन बाद सीड उगने लगता है। सबसे पहले इसके रूट्स यानी जड़ और फिर छोटी सी स्टेम बाहर निकलते हैं। फिर इस पर छोटे छोटे लीव्स यानी पत्ते निकल आते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से ये पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ अरसे बाद इसमें फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनफ्लावर प्लांट्स के फूल सूरज की डायरेक्शन में अपने पेटल्स को खोलते हैं और फाइनली एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सनफ्लावर आपके सामने मौजूद होता है। तो ये होता है सनफ्लावर प्लांट का लाइफ साइकिल। सनफ्लावर की लाइफ साइकिल के तमाम स्टेजेस को गौर से पढ़िए। तो दोस्तों, आप बटरफ्लाई और सनफ्लावर की लाइफ साइकिल देख चुके हैं। अब हम अपने अगले मेहमान मिस्टर फ्रॉग से उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछते हैं। अब मैं आपको अपनी लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ। फीमेल फ्रॉग पानी में एग्स यानी अंडे देती है। एक जेली की तरह की लेयर इन अंडों को साथ जोड़े रखती है और प्रोटेक्ट भी करती है। ये स्पॉन कहलाता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। इट इज कॉल्ड अ स्पॉन। कुछ दिनों के बाद अंडों में से टैडपोल निकल आते हैं। ये टैडपोल्स फिश की तरह गिल से सांस लेते हैं। इनकी टेल भी लंबी हो जाती है और फिन्स भी निकल आते हैं जो इनको पानी में स्विम करने में मदद करते हैं। टैडपोल हैज गिल्स टू ब्रीथ
Its tail elongates and fins develop which helps in swimming. कुछ वीक्स के बाद टैडपोल के गिल्स डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं और हाइंड लेग्स निकल आती हैं. गिल्स ऑफ टैडपोल डिसअपीयर एंड इट डेवलप्स हाइंड लेग्स. कुछ दिन बाद ये टैडपोल फ्रॉगलेट में तब्दील हो जाता है. इसकी फोर लेग्स यानी फ्रंट लेग्स भी डेवलप हो जाती हैं. टैडपोल डेवलप्स इनटू अ फ्रॉगलेट. इट ऑल्सो डेवलप्स फोर लेग्स. और फिर फ्रॉगलेट की टेल छोटी होने लगती है और फाइनली डिसअपीयर यानी गायब हो जाती है और ये फ्रॉगलेट एक एडल्ट फ्रॉगलेट में तब्दील हो जाता है. टेल बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपीयर्स. द फ्रॉगलेट चेंजेस इनटू एन एडल्ट फ्रॉग. तो ये था फ्रॉग का कंप्लीट लाइफ साइकिल. फ्रॉग की लाइफ साइकिल के तमाम स्टेजेस को गौर से पढ़िए. बहुत खूब. उम्मीद है कि आप लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, सनफ्लावर और फ्रॉग को समझ चुके होंगे. क्या आप एनिमल और प्लांट लाइफ साइकिल को कंपेयर कर सकते हैं? कंप्लीट द टेबल टू कंपेयर लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल एंड अ प्लांट.